अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर एक कॉल आता है कि रेसिडेंस के लिए तो वीडियोस बनता है, ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट हो, सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ, 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना ईएमआई, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 टू 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप्स की हाइट 16 टू 18 फुट है, उसके अंदर भी मेज़नाइन स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार ट्रैक। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना के बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं इसको लेकर बवाल मचा था। इसी बीच महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया, जिसके बाद काफ़ी हंगामा मचा। इसके अलावा और भी देश के कई जगहों से इस तरह की वारदात की खबरें जो है सामने आई। मुमरा शहर में आज जो है यहां पर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि आज 3-3 जगहों से मुमरा शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया, और पीड़िताओं के लिए जो है इंसाफ की मांग की गई। इसके अलावा जो लेडी डॉक्टर थी जिनकी जो है डेथ हो गई है, उन्हें इस तरह से मोमबत्तियां जलाकर जो है श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि कड़ी कार्रवाई के आरोपियों के खिलाफ मांग की जा रही है। ज़्यादातर जो प्रदर्शनकारी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से बिल्किस बानो के रेप के जो आरोपी थे, आसिफा के जो रेप के आरोपी थे, उनका फूलों से सम्मान सत्कार जो किया गया, इससे देश में एक अलग मैसेज गया, जिसकी वजह से बलात्कार जैसे जघन्य घटना को अंजाम देने वाले लोगों के दिल में खौफ नाम की चीज़ नहीं है। और यही वजह है कि जो इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी ये दरिंदे नहीं छोड़ रहे हैं। मुमरा शहर में संघर्ष की तरफ से, रूता अवार्ड की तरफ से, मुमरा रेलवे स्टेशन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक तक, यहाँ तक जो है प्रोटेस्ट किया गया। इसके अलावा मर्जिया शानू पठान की तरफ से अमृत नगर से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक तक जो है प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा शहर यूनुस शेख की तरफ से तनवर नगर से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक तक प्रदर्शन किया गया। इन सभी की मांग है कि इस घटनाओं में शामिल आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो सीनियर पीआई हैं अनिल शिंदे, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया है, और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ऑलरेडी कर ही रहे जितना हमसे बन रहा है, और आपने देखा सिर्फ ये एक आंदोलन नहीं, तो महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पर आंदोलन हुआ है, और अब हर बात को ये बोलकर नहीं जान सकते कि हम हमेशा इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं, हम औरत हैं, और आज कोई भी 4 साल से लेकर वो 40-100 साल तक भी औरत एक बिल्कुल भी महफूज नहीं है। शी इज नॉट एट ऑल सिक्योर, शी इज नॉट एट ऑल सेफ, और एकदम गलत है। आज मैंने अभी एक बोर्ड पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिस इज नॉट अ रिपब्लिक, दिस इज अ रेप पब्लिक, विच इज वेरी सैड। ये बहुत बुरी बात है, मुझे नहीं पता इसके लिए इन लोग क्या करेंगे, लेकिन जिनको इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, इसमें भी एडवोकेट उज्ज्वल निकम, वो ऑलरेडी बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के लिए, वर्षा गायकवाड़ के अगेंस्ट थे, ये की एक बात। दूसरी बात है, ये जो स्कूल है उन्हें चलाने वाले जो है, जो उनके मेन है, वो हमने सुना है कि बीजेपी के ही कोई है, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को दबाने की बहुत कोशिश की। उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है और जिसकी छोटी बच्ची के साथ ये हुआ, उसको बहुत घंटों तक रुकना पड़ा है, 11 घंटा उनको रुकाना है FIR के लिए। आज अगर आपने देखा है तो उन्होंने 300 लोगों के ऊपर कल के आंदोलन के लिए FIR दर्ज किए, और 40 लोगों को पकड़ लिया है, और उन्हें इस तरह ले जा रहे थे रस्सी बांध के,
जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है। मैडम कुछ किया क्योंकि इन्हें बिल्कुल वहाँ के सीनियर पे को सस्पेंड भी किया ऐसा बताया जा रहा है। हाँ अभी जैसे हम अभी स्लोगन दे रहे हैं कि जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, कभी मीडिया को आगे करती है, कभी किसी को आगे करती है, पर खुद वो कितने घंटों तक वहाँ कोई मिनिस्टर भी नहीं पहुँचे थे। और कल का आंदोलन कम्प्लीटली जन आंदोलन था, लोगों ने खुद तंग आकर क्या करें लोग, मेरे ख्याल से इसके आगे भी जाकर है ना एक बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। देखिए ये तो हम 2012 से देखते आ रहे हैं और एक्चुअली उससे पहले से भी, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। वो मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने फाइनली सही मुद्दों को दिखाना चालू किया है, अदरवाइज ये चीज़ें होते रहती है बट लोगों को इसके बारे में पता चलता नहीं है, आवाज़ उतनी उठ नहीं पाती है, प्रशासन पे प्रेशर बन नहीं पाता है। थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड मीडिया टीम के उन्होंने इस चीज़ को महत्व दिया, सोशल मीडिया पे ये चीज़ चली, मीडिया के थ्रू ये चीज़ चली तो लोगों का आग्रह आया, चाहे कोलकाता हो चाहे बदलापुर हो, और फिर सिस्टम पे एक तरीके का प्रेशर तो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कम से कम कि आप लॉज बना रहे हैं बट इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप लॉ बना देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब एक अगर हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप लॉ लोकसभा में आप लॉ बना रहे तो बनाते ही जा रहे दो लॉ बनाओ पर ऐसे बनाओ कि लोगों के अंदर खौफ आ जाए अगर वो लड़की को गलत नज़र से भी देखे तो। ठीक है, आपने एक आंदोलन एक स्लोगन निकाला हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ इज नॉट अ स्लोगन एनीमोर, इट इज़ अ वार्निंग कि अपनी अपनी बेटी को बचा के रखो और अपने घर पे रखो बचा के। ठीक है, अभी हमें हम लोग ने प्लग कार्ड्स जो बहुत सोच के बनवाए थे उसमें एक हम लोग ने ये भी लिखवाया कि हमको नहीं चाहिए लाडली बहन नहीं चाहिए, हमको सुरक्षित बहन चाहिए, लाडली बहन योजना नहीं, हमको सुरक्षित बहन योजना ला के दो कि हमारी बच्चियाँ हमारी बहनें हमारी माएँ हमारी दादियाँ, क्योंकि एज ग्रुप ही नहीं है कोई अभी ये चीज़ का, हर उम्र के लोगों के हर उम्र की औरत के साथ ये हो रहा है, पैदा होने से 6 महीने की छोटी बच्ची के साथ भी हो चुका है। तो कब सिस्टम जागेगा, कब गवर्नमेंट जागेगी, कब इस पर एक्चुअली में दिल से काम किया जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और लोगों को सज़ा दी जाए। अभी देखिए आप आसिफ और बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको आप सत्कार कर रहे हो, उनके गले में हार फूल डाल रहे हो बीजेपी के लोग, तो आप ऐसा माहौल जब होता है तो लोगों के अंदर से डर चला जाता है, समझ रहे हैं आप, जब ऐसा माहौल होता है कि क्या पता नहीं उन्होंने कौन सा देशभक्ति का काम करके आया है कि उनको देशभक्ति के लिए पुलिस स्टेशन में अंदर डाला गया था, जब बाहर निकल के उनका हार फूल किया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट और सिस्टम और गवर्नमेंट इस चीज़ पर कब बात करेगी। एक बदलापुर में जो वारदात हुई वहाँ पर एक राजनीति से जुड़े हुए नेता ने एक महिला पत्रकार पर भी आप जब गए जी जी मुझे पता चला उनके ऊपर एक डेरोगेटरी कमेंट किया गया कि आप क्यों इतना फॉलोअप कर रहे हैं, आपके साथ हुआ है क्या, वर्ड यूज़ करके, तो आप क्या चाहते हैं कि हर किसी के साथ हो, आपके घर में हो, आपकी बेटियों के साथ हो तो ही आप बाहर आवाज़ उठाएंगे क्या, हर कोई अपने घर में किसी के साथ हो ऐसा तो ही ना हो, इसीलिए तो आवाज़ उठाई जा रही है ना। और ऐसे ऐसे जो भी है नेता उनके ऊपर एट्रोसिटी का केस जाहिर होना चाहिए हो और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसका माहौल ऐसा चल रहा है ना हमारे देश में पूरा धर्म नफरत, मतलब लोगों को अपनी ज़बान पे कंट्रोल ही नहीं रहा ऐसा लग रहा है, जिसका जो मन चाह रहा है जिसको जो बोल रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ एक दूसरे की गंदगी मचा रखी है, जेंडर के खिलाफ एक दूसरे की गंदगी मचा रखी है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जब डर लोगों के अंदर से चला जाता है तो पहले वो जबान से फ्री होते फिर हाथ से फ्री होते फिर यू कैन सी। हमारे CM चला रहे हैं माजी लाड़की बहन योजना, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि जितना आप इलेक्शन के पहले अपने पैसे लुटा रहे अपनी बहनों पे, अगर आप अपनी आवाज़ आगे स्ट्रांगली रखें, पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, आवाज़ स्ट्रांगली रखो, इतना बड़ा पोजीशन है आपके पास, आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाड़की बहन योजना चलाने के बजाय सुरक्षित बहनों के ऊपर कुछ गवर्नमेंट पे आगे अपनी पेशकश रखो कि सर ये लॉज नहीं चल रहे इंडिया में, हमको इसके ऊपर एक्शन लेना है।